नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो ये सीरीज का थर्ड वीडियो होगा, सेकेंड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बात करी थी, चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो प्रायोरिटीज़ की हम लोग बात कर चुके थे, इसी प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा था, और कीवर्ड्स देखे थे, कीवर्ड्स क्या होता है, इसके अलावा रूल्स देखे थे, वेरिएबल का नेम कैसे होता है, उसका कन्वेंशन क्या होता है कि अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते, कॉमा ब्लैंक नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, इस टाइप की बात की थी। करेक्टर कांस्टेंट था, मैंने बताया करेक्टर कांस्टेंट को आप जो है कोलन में ही आप कर सकते हैं, इन्वर्टेड कामास में ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, ये बताया था, ठीक है। इसके बाद रियल कांस्टेंट भी बताया था कि कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, इंटीजर को क्या होते हैं, फ्लोटिंग क्या होता है, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे अपने पिछले वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में अपने कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 3, तो मैं उनसे कहूँगा कि पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लें, फिर इसको देखें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट अस सी की बुक है, उसी से मैंने सारा कंटेंट लगाया हुआ है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट की आज हम लोग बात करेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ये सारे नॉट ऑपरेटर्स की बात करेंगे, फिर कंपेरिजन देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले अगर किसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर इसके कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले जो कल मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आप लोग सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन है कि मान लो कैर आई इक्वल्स टू जेड लिखा हुआ है, प्रिंट एफ परसेंट सी मैंने आई किया तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो जेड आएगी, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर टाइप आई जेड डिफाइन कर रखा है मैंने, ठीक। अब यहीं पे अगर मैं कैर आई की जगह इंट आई कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, तो आप लोग को बताना क्या वैल्यू आएगी, ठीक। तो अब देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो अगर मैं इंट आई कर दूंगा ना, तो यहाँ पे आई जेड की जो आस्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। तो यही मुझे बताना था कि किस तरीके से इन्वर्टर कॉमास में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं, उसका क्या यूज होता है और कैसे कैसे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक, क्योंकि वो इंटीजर टाइप है इसलिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की, कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ स्टेटमेंट का हिंदी मतलब होता है यदि, कि अगर ये कंडीशन मीट होती है तो ये प्रोग्राम का जो ब्लॉक है वह एग्जीक्यूट हो वरना ना हो, ठीक। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे कि करंट ईयर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है, ठीक। तो कुछ कंडीशन अगर मीट होती है कि मान लो ईयर ऑफ सर्विस 3 से ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि करंट ईयर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को माइनस कर रहे हो, और ईयर ऑफ सर्विस आपकी मान लो 5 आ गई। अब 5 जो है वो 3 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, 5 तो बड़ा है 3 से, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब अगर यही ब्लॉक जो है अगर वैल्यू कम आती, मान लो 2 आती, तो 2 तो 3 से बड़ा नहीं है, तो ये जो प्रोग्राम है मेरा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, तो फिर ये बोनस कैलकुलेशन होएगा ही नहीं, और जो स्क्रीन पे प्रिंट एफ लिखा है ना, कि प्रिंट एफ की वैल्यू डिस्प्ले ही नहीं होगी। यही मतलब होता है इफ का, कि मतलब वो जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो कंडीशन मेट होगी, ठीक। तो इसको कहते हैं, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें भी इसी टाइप से दिया गया, बेसिक सैलरी आपसे इनपुट करा रहा, बेसिक सैलरी आपने इनपुट की मान लो 1600 इनपुट करी, अब 1600 और 1500, ठीक है, और इसमें लिखा है कि बेसिक सैलरी अगर 1500 से क्या कम है, ठीक, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नीचे एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिंट अप प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो उसी हिसाब से हम लोग को ये देखना होता है कि हमें प्रोग्राम में क्या चाहिए, किस हिसाब से ये चीजें जो है एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक। अब जैसे मान लो आपने 1600 इनपुट किया, ठीक, तो 1600 क्या होगा, 1600 क्या 1600 ग्रेटर देन 1500, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये गलत स्टेटमेंट, तो ये एल्स में चला जाएगा। तो एच आर ए 500 लेगा, डी ए ये लेगा, और जी एस की वैल्यू एल्स के जो ब्लॉक में जो वैल्यू है उस हिसाब से इनपुट करके प्रिंट एफ दिखा देगा, परसेंट एफ। परसेंट एफ यूज किया गया इसका मतलब कि यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, पॉइंट में डेसिमल में कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो 300.53 इस टाइप से कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये इसका मतलब है पूरा इसका, तो ये इफ और एल्स कंडीशन का मतलब होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। अब इसका यूज किस लिए होता है, देखो यूज इसलिए होता है कि मान लो कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो बार बार आपको इफ एल्स यूज करना पड़ता है, लेकिन इन सारी कंडीशंस को अगर हम एक ही जगह कंबाइन करके लिख दें
सिंप्लीफाई करें लिख दें, तो वहां पे हम लोगों को फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, एक तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बचता है, बार बार प्रोग्राम को इफ एल्स इफ एल्स में घूमना नहीं पड़ता, वो एक बार में चीज पकड़ लेता है और एग्जीक्यूट कर देता है स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ देखिए कि अगर ये जो है एग्जाम्पल दिया गया कि इफ परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 60 से नहीं है तो फिर ये नीचे वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये वाला ब्लॉक एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, फिर वो देखेगा कि अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ज्यादा है या बराबर है तो सेकेंड डिवीजन कर दे, और फिर ये देखेगा कि अगर परसेंटेज 40 के बराबर है, 40 से ज्यादा है कि नहीं तो थर्ड डिवीजन, और अगर ये तीनों कंडीशन नहीं मैट होंगी तो प्रिंट एफ फेल कर दे। ठीक, ये स्क्रीन में दिखा दें। लेकिन अब इसी कंडीशन को हम अगर स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, मान लो आपने इनपुट किया 30%, तो 30% है पहले यहाँ पे वैल्यू आएगा, इफ 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वो फेल हो गया तो नीचे आ जाएगा, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एंड, ये देखिए एंड एंड है, और जो आपने इनपुट किया 30 वो 60 से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, पहले तो चला कि आपका जो परसेंटेज है वो 50 से ज्यादा है कि नहीं और 60 से कम है कि नहीं, तो दोनों कंडीशन हमने एक ही ब्लॉक में लिख दिया, हमको पूरा इफ एल्स इफ एल्स करके लिखना नहीं पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर देगा, स्क्रीन पे दिखा देगा सेकेंड डिवीजन। लेकिन अब आपके 30% आपने इनपुट किया तो ये इसके बीच में तो लाइन नहीं कर रहा, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, नीचे देखेगा कि भाई हमारा जो परसेंटेज आपने इनपुट किया है 30, वो 40 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको मिलेगा नहीं यार ये 40 और 50 के बीच में लाई नहीं कर रहा, क्योंकि परसेंटेज आपका 40 से, इस कंडीशन में क्या है कि 40 से ज्यादा और एंड, ठीक है, और 50 से कम। ठीक, एंड कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों चीजें मीट होनी चाहिए, जो एक ब्लॉक में लिखा हो, और हमेशा ना ये ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्रैकेट में लिखे जाते हैं तभी ये कंडीशन पूरी चलती है, तो ये प्रिंट ऑफ थर्ड डिवीजन, और अगर इससे कम है तो प्रिंट ऑफ फेल, तो फेल दिखा दें। तो ये सारा जो है मामला होता है इसका, प्रिंट ऑफ का, स्कैनफ का, इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट की। तो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि जो प्रीवियस इफ की कंडीशन है सिर्फ उसी के साथ चलता है, मतलब कि अगर ये एल्स इफ लिखा है ना तो सिर्फ ये इसको चेक करेगा, ये एल्स इफ लिखा है तो सिर्फ इसको चेक करेगा, ये इसको नहीं चेक करेगा। ठीक, तो ये एल्स इफ कंडीशन होती है, और लास्ट में फिर एल्स आ जाता है। तो अगर आपने इनपुट किया 30%, तो सबसे पहले देखेगा कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, फिर इसके बाद आएगा वो एल्स इफ पे, फिर दूसरे एल्स इफ, फिर इस टाइप से होता जाएगा। एक मिनट रुक जाइए जरा आप लोग, साउंड ठीक। तो इस टाइप से एल्स इफ कंडीशन सारी मेट होती जाती हैं। अब डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सीख पाएंगे कि इफ एल्स एल्स इफ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप सबको बस रिवीजन सीरीज कर रहा हूँ। डिटेल में किसी को सीखना है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं उनको अच्छी तरह बताऊंगा कि क्या कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि कोई अगर चीज ट्रू है ये उसका अपोजिट कर देता है, उसको फॉल्स कर देगा। ठीक, तो इसलिए जो है इस ऑपरेटर को कहते हैं हमेशा नॉट ऑपरेटर, मतलब कि अगर वाई ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है और आपने इनपुट किया क्या कि 20, यहाँ वाई की वैल्यू जो है 20 इनपुट कर दी, तो 20 क्या 10 से छोटा है, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा। लेकिन अगर इसके बाद नॉट ऑपरेटर लगा देंगे ना तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो बस यही करना होता है, लॉजिकल वैल्यू को चेंज कर देता है वो। ठीक है, जो भी है एक्सप्रेशन उसका रिवर्स कर देता है। और कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इफ नॉट फ्लैग लिखा तो इसका क्या मतलब, तो इसका ये है, इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 00। ठीक, तो 00 जो है डबल इक्वल्स टू, इसका मतलब कंपेरिजन होता है, ये फ्लैग है 0 के बराबर, और अगर फ्लैग इक्वल्स टू 0 लिख देंगे ना तो वो असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इंट आई इक्वल्स टू 3 लिखा है इसका मतलब आपने आई की 3 वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन आपने लिखा है आई डबल इक्वल्स टू 3 इसका मतलब आप आई की वैल्यू जो है, आपने जो भी वैल्यू इनपुट करी है आप उसका कंपैरिजन करा रहे हो। ठीक, ये समझ में आया, मान लो आपने कोई प्रोग्राम में लिखा कि यूजर से इनपुट मांग रहे हो 3, ठीक, और आपने कंडीशन लगाई इफ आई डबल इक्वल्स टू 3, ठीक, तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 3 हो गया तो प्रिंट ऑफ प्रिंट कर देगा, लेकिन आपने गलती लिखी, आपने इंट आई इक्वल्स टू 3 लिख दिया सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि कंपेरिजन नहीं हुआ। ठीक,
तो उस केस में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था कि ये जो है आई इक्वल्स टू थ्री होता है और आई डबल इक्वल्स टू थ्री होता है, इसमें काफी अंतर होता है, ठीक। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स की, कि कैसे कैसे ये जो ऑपरेटर्स हैं, मान लो कि स्टेटमेंट लिखें तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल नॉट होगा, फिर अर्थमेटिक एंड मॉडुलस, फिर अर्थमेटिक, रिलेशनल, रिलेशनल और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, फिर लास्ट में असाइनमेंट, ठीक। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से ऑपरेटर्स की हायरार्की याद रखनी है बॉडमॉस रूल से। इसको भी ऐसा ही याद रखें, ये एग्जाम में सीधे सीधे एमसीक्यूज इसी पे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको अभी भी समझाया कि आई डबल इक्वल्स टू और इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे कि आपने ये वैल्यू है इनपुट करी, ठीक, तो यहाँ पे आपने वैल्यू इनपुट करी 5, ठीक, तो वो दिखा देगा यू एंटर्ड 5। लेकिन अगर आप वैल्यू जो है 6 भी इनपुट करोगे ना तो भी वही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्रोग्राम में गलती है, वो कंपैरिजन नहीं कर रहा है, वो सीधे असाइनमेंट करता जा रहा है और दिखाता जा रहा है, ठीक। तो यही अंतर है इसमें, ठीक, वो एल्स कंडीशन आएगा ही नहीं, वो इफ में घूमता जाएगा, इसीलिए मैंने इसको दिखाया, ठीक है। तो बस यही अंतर था। अब आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, और यही इसका लास्ट टॉपिक होगा। इसको जो है कहते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि इसमें 3 आर्गुमेंट्स लेते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब होता क्या है कि अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू जो ट्रू होती है, ठीक है, तो जो वैल्यू दिखाएगा वो सेकंड दिखाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 2 1 की वैल्यू फॉल्स होगी तो वो 3 दिखाएगा, ठीक। अब इसको समझेंगे किस तरीके से दिखाता है। मान लो यहाँ पे दिखा, ठीक, स्कैन ऑफ लिखा, आपने वैल्यू डाली यहाँ पे 6 डाली, तो क्या दिखा? 6 ग्रेटर देन 5, ठीक, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, बड़ा है ना बड़ा, तो क्या दिखा देगा वो प्रिंटर जो स्क्रीन पे आएगा आपके, वो 3 आ जाएगा आउटपुट। लेकिन आपने इनपुट करी 4 ग्रेटर देन, यहाँ पर इनपुट करी आपने वैल्यू 4, ठीक, तो क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 तो छोटा है, तो यहाँ पे 4 दिखा देगा, ठीक। बस यही है और कुछ नहीं, तो और यही चीजें इसमें दिखानी। अब इसको सिंप्लीफाइड इसका वर्जन ये होता है, इफ एक्स ग्रेटर देन 5 देन वाई इक्वल्स टू 3 एल्स वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या है कि यहाँ पे आपने कितनी लाइंस यूज कर ली, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 1 लाइन यूज करी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में इसको एक सही चीज मानी जाती है, कोड जो है, कोड ब्लॉक का जो रन टाइम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, वो कम होगा, क्योंकि उसने एक ही स्टेटमेंट सबको रीड कर लिया, यहाँ पे उसको 4 बार एग्जीक्यूशन करना पड़ रहा है, ठीक। फिर डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्सर होता है, कि वो लेफ्ट टू राइट चलता है, LR पार्सर, ये तो वो पार्सर चलेगा तो पहले यहाँ पे इसको स्कैन करता है, ठीक है। जब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, शायद वो दूसरे आता है डेटा स्ट्रक्चर में, दूसरे पार्ट में आता है, वो भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो जो पार्सर होता है वो कैसे चलता है, पहले इस इधर पे आएगा, फिर 5 देखेगा, फिर इक्वल्स टू देखेगा, फिर x देखेगा, इस टाइप से जो है देखता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या, यही फिर इसके बाद नीचे आएगा, कोलन देखेगा, मतलब इस टाइप से एग्जीक्यूशन करता है। और इसमें क्या, वो सीधे सीधे एक ही बार में पूरा एग्जीक्यूशन करके देख लेगा, तो टाइम जो है कम लगता है, ठीक। तो बस मुझको यही बताना था। अब हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन यही वाला जो है आपको समझाने के लिए, कि यहाँ पर ये देखिए मैंने 66 वैल्यू इनपुट करी। अब 66 वैल्यू जो है 5 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी है तो पहले कौन सा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब हमने इनपुट करी 3 वैल्यू, ठीक है, तो 3 जो है वो 5 से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है ना, तो आउटपुट आ जाएगा 4 वैल्यू। इन दो वैल्यूज के अलावा आउटपुट तीसरा नहीं आएगा, ठीक। तो बस यही इस ऑपरेटर का यूज होता है, यही मुझे बताना था और कुछ नहीं, कि ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और ये आपका लेट अस सी के सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया है इफ एल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप के बारे में जानेंगे, लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप होते हैं, ठीक, तो वो सारा जो चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।